तो गाइस आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं ये लॉगी का बेकार वाला कमरा इनटू कुछ इस तरह से देखने वाले खतरनाक कमरे के अंदर। तो बेसिकली ये है लॉगी का पीसी जो एकदम से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन उसको अपने कंप्यूटर से इतना प्यार है कि वो हर बार गेम खेलने के बाद चला जाता है अपने कमरे के अंदर। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की इसको है तो वही यूज करता यहाँ वहाँ पेचकश के औजार मार मार के कंप्यूटर का जब वो स्विच ऑन करता है तो हमेशा की तरह उसको सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है निराशा। और एक बार फिर से वो हर दिन की तरह निराश होकर अपने घर में चला जाता था। लेकिन एक दिन लॉगी को आया गुस्सा। आज मैं कंप्यूटर को छोड़ूंगा नहीं। किधर है भाई, तू ठीक नहीं होगा क्या? चुपारी पीछे हो जाओ, कंप्यूटर ये लो भाई, नहीं तो आपको पड़ जाएगी। लेकिन एक दिन लॉगी ने मुझसे एक बात बोली। चुपाती भाई किधर हो? ये सुनो भाई, मुझे आपको एक बात बतानी है यार। बता भाई, मैं कब से पीसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन ही नहीं रहा है। मैंने अभी सोच के रख दिया है, मैं जा रहा हूँ दो दिन छुट्टी मार रहा हूँ भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुकी है। कोई बात नहीं, और यही छुट्टी का बहाना मेरे काम आने वाला है। तो गाइस प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है। लॉगी ने बता के रखा कि वो दो दिन जा रहा छुट्टी पर और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे और मैं इन्हीं दो दिन के अंदर लॉगी के लिए बनाने वाला हूँ खतरनाक पीसी। तो बेसिकली गाइस प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है। ये वाला कमरा अपना खतरनाक वाला एकदम लेजेंडरी वाला कमरा, ये मैंने डिसाइड किया कि ये कमरा हम देंगे लॉगी को और मैं ये वाला सेटअप, यह पूरा सेटअप मूव करने वाला हूँ इस वाले कमरे के अंदर। जो नया पीसी आएगा वो होगा लॉगी का और ये पुराने वाला पीसी मैं ले लूंगा। और वाकई में इसका पीसी कुछ ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ग्राफिक्स कार्ड अंदर पंजर सब निकाल दिए उससे, लेकिन ये पीसी ठीक नहीं हुआ। अभी मेरे को सारे पार्ट्स लॉगिंग के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं लेने, मेरे को ये वाली स्क्रीन क्लिप करनी है क्योंकि एकदम महंगी वाली है, एकदम टॉप नॉच है। ये वाली भी कीप करनी है, एकदम महंगी वाली है, एकदम टॉप नॉच है। ये कीबोर्ड भी टॉप नॉच है और अपना माउस खराब हो चुका है, तो ये एक नया माउस भी लूंगा लॉगिंग के लिए। चलो आ जाओ फिर मिलते हैं अपने जांबाज दोस्त के साथ। कौन? और अभी हम गाइस आ चुके हैं अपनी जैफी भैया की वेबसाइट के ऊपर। और बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Amazon, Asus, Intel, किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया भाई, जेब से पैसे दे रहा हूँ मैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपना छोटा भाई एकदम से खुश होना चाहिए। लेकिन उसके लिए गाइस एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो अगर आप चैनल की बनना है तो फटाफट से नीचे जाकर एक सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम बाय करेंगे दुनिया का सबसे खतरनाक वाला प्रोसेसर और ऑब्वियसली गाइस वो है इंटेल का i9 4900 550 pound का। What? कौन सा केस लूं? कौन सा केस लूं? यार बॉस और ये वाला कितना मस्त है यार, समझ नहीं आ रहा कि ये वाला लूं कि ये वाला लूं। दोनों ले लेते हैं। और अभी आते गाइस रैम की बारी, तो मैं लूंगा कोर्सियर की सबसे खतरनाक वाली रैम और जो है डोमिनेटर की। ये वाली रैम कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही है यार, लेकिन ये काफी नहीं होगी, इसके चार ले लेते हैं। या लेट्स गो, चार ही ले लो। तो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो एनवीडिया का 40 सीरीज जो एकदम से टॉप ऑफ द रेंज चल रही है, तो एक काम करता है पूरा टॉप वाला खतरनाक वाला ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं जो कि एकदम स्टॉक में है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब स्टॉक में आएगा तो मैं 4090 ही लूंगा उसके लिए। कंप्यूटर के अंदर से गाइस मैं लिटरली बता रहा हूं कि बिजलियां निकलनी चाहिए और बिजलियां निकालने के लिए हम लोग लेंगे थॉर की पावर सप्लाई। और स्टोरेज की बात करें तो हम लोग लेंगे सैमसंग की 990 प्रो। अभी का सारी चीजें मैंने ऑर्डर कर ली हैं और सिर्फ एक दिन के अंदर सारी चीजें एकदम से घर में। किसका आइडिया था भाई दो केस मंगवाने का? भाई कौन पागल था बोल रहा था कि दो केस मंगवाऊंगा? कितने हैवी होते हैं यार ये केस। फाइनली गाइस ये रहा छोटा मोटा लटरम पटरम, एंड दोस्त ये रहे अपने लॉबी के पीसी के एकदम से ब्रांड न्यू एकदम से खतरनाक वाले पार्ट्स। तो सबसे पहले आता है गाइस इसका प्रोसेसर इंटेल का i9 एकदम खतरनाक वाला, ऐसे फेंको इसको। उसके बाद ये पता नहीं क्या है। उसके बाद आती है अपनी डोमिनेटर रैम एकदम से माइंड, तो ये और डोमिनेट करेगा। एंड वन सेकंड, मैंने एक की जगह दो बारी ले ली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो दो बारी डोमिनेट करे। उसके बाद आती है अपनी मेमोरी एंड एक और मेमोरी। उसके बाद ये जो चीज है ना, ये वीडियो के एंड में देखना, ये खतरनाक है ब्रो, खतरनाक। उसके बाद आती है एक और खतरनाक चीज, ये भी मैं आपको बिल्कुल एंड में दिखाऊंगा, ब्रांड न्यू माउस, एक्स्ट्रा लाइट, खतरनाक वाले पखे। ये मदरबोर्ड मेरे को पता 700 pound में पड़ा। डैंग 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 डैंग, ओ तेरी भाई क्या मत बोल, के अंदर डब्बा कौन पैक कर रहा है भाई। ये है लातों के भूत। ओके, ये फैंसी वाला डब्बा लग रहा है भाई, ये वाला तो वो माय गॉड 4090 द मोस्ट पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड जिसके ऊपर हम कोई डायनासोर वाली गेम खेलेंगे, गूगल वाली, एकदम मस्त चलेगी भाई। इसको मुझे खोलना है अभी यार, वरना सेकंड टाइम काम करते हैं, इसका यहाँ से सीर हटा देते हैं, ये जाएगा यहाँ पर। रेडी डैंग डैंग भाई, लिटरली ये मेरे गाड़ी के इंजन से बड़ा ये। ओके गाइस, अभी आता केस नंबर 1। ओके
गाइस, ये वाला केस मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद आया था। पूरा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से जालियां लगी हुई है एयर फ्लो के लिए, और आगे से भी जो है खतरनाक वाली जालियां लगा कर रखी है लोगों ने। मस्त वाला एयर फ्लो यहाँ पर आने वाला है। और तो वो है अपना केस नंबर वन, और अभी मेरे को अनबॉक्स करना केस नंबर टू। तो ये वाला कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ से पूरा ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है और यहाँ से आगे जालियां लगी हुई हैं। ये आरजीबी वाले फैंस हैं, यहाँ पर आरजीबी जो है स्ट्रिप्स लगी हुई हैं यहाँ पर। और एक वो वाला केस है, ये वाला एकदम से स्लिक डिजाइन है, एकदम से पतला, एकदम से क्लीन। ये थोड़ा बहुत मेरे को पता नहीं सही नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं इनी मीनी माइनी मो, ये वाला ठीक है। और अभी शुरू करते हैं दुनिया का सबसे मोस्ट बोरिंग काम, और वो है पीसी बिल्डिंग। सबसे पहले मोबाइल फोन को लगाना है अपनी सेल्फी स्टिक के ऊपर, और अगर मैं ये रखूं इसके ऊपर तो लेट्स गो। ओके, सबसे पहले खोलते हैं अपना मदरबोर्ड। अरे यार प्लीज, मैं तारे देख के बहुत घबरा जाता हूँ यार, बहुत सारी तारे है। तो इसको अगर मैं ऐसे खोलूं तो ऐसे खुल जाएंगे, और अगर मेरे को कनेक्ट करने हैं तो सीधा एंड डन। कोई तारे कुछ चाहिए नहीं इसके लिए। ओके, तो ये रहा गाइस अपना केस, एकदम से रेडी हो चुका है। ओ भाई साहब यार, फाइनली मैं फिर से यहाँ पर आ गया। और अभी एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं सीधा पीसी के पास, और अभी मुझे फिर से ट्राई करना है उसको पूरा बिल्ड करने की। यार समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज में कहाँ पर लगाऊं यार। इसका मतलब अभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं गेमों के अंदर। चलो तेरे को सरप्राइज देना था मेरे को यहाँ पर। कोई बात नहीं भाई, अभी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। लेकिन जब तू आ गया तो एक काम कर, हेल्प करता है। तो काम करता है फटाफट से, दोनों मिलके पीसी बनाते हैं एंड इसको सेटअप करते हैं यहाँ पर। तो ये तेरा ब्रांड न्यू पीसी है, और ब्रो मैं तेरे को हर बार देखा कि काम खत्म करने के बाद ये चला जाता है वहाँ पर, और पीसी रिपेयर, तेरे को पीसी रिपेयर करना भी आता है। अरे भाई मैं कब से यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहा हूँ लेकिन बन ही नहीं रहा है। एक दिमाग दिए थे उसके लिए, टेंशन नॉट, यहाँ पर तेरा न्यू पीसी। थैंक यू चपाती भाई, एक चपाती भाई के लिए बनता है। ओके ब्रो, सभी आ चुका है डे नंबर 2, लॉबी घर जा चुका है, और खिलाना देख रहे हो पूरा यहाँ तक लगा हुआ यार। फिलहाल गाइस ये रही अपनी प्रोग्रेशन, ये देखो पूरा खिलाना वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये तार है यहाँ पर, इसको भी सेट करना है, ये ट्यूटोरियल यहाँ पर चल रहा है। तो लिटरली सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, और आप ही इसको सिर्फ पैकअप करना है। और अभी गाइस बहुत सारा छेड़छाड़ करने के बाद मेरा पक्का टूट गया यहाँ से, टूट चुका है मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली कल टूटा था, इसका मैंने नया मंगा के रखा है, कुछ ही देर के अंदर आने वाला होगा। और अभी आता है गाइस मेन काम, तो सबसे पहले ये निकालो, एंड अभी आता था फाइनल वाला, और अब भी जाएगा इसका फाइनल कनेक्शन। ओके बट एनीवे सारा काम खत्म हो चुका है, और अभी इसको रिमूव करते हैं, और अपने खतरनाक बीस्ट को यहाँ पर रख के ऑन करते हैं। ये रही उसकी पावर सप्लाई की केबल, अभी यहाँ से इसका प्लग डालो, इसको ऑन करो, अभी ये देखना है कि ये चलेगा कि नहीं। ओके लेट्स गो, यहाँ से ऑन करता हूँ। हे भगवान बजा लियो यार, नहीं चला, आई थिंक पीछे से बंद है, रुको इसको ऑन कर देते हैं। ओ कुछ ना कुछ तो हुआ, और अगर मैं भी चला कर देखो क्या हो। लेट्स गो, Oh my God, looking awesome. For some reason ये नहीं चली, और यहाँ का जो पंखा था वो टूट चुका, तो नया आने वाला था, मैं वो भी लगा दूंगा। For some reason ये क्यों बंद है, I don't know. पीछे से इसका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, तो इसको एक बारी फ्लिप करें तो। और लेफ्ट को, और एक बीप भी हुई। और अभी गाइस इसके बाद मेरे को ये सारा गन यहाँ से उठाना है, और यहाँ पर जो कारपेट के ऊपर मार लग गया ये सारा ठीक करना है। पूरा कमरा गन से भरा हुआ है, लिटरली हर एक जगह पर देख रहे गंदी गन पड़ा हुआ है। और एज अ प्रॉमिस मैंने बोल कर रखा था कि ये वाला कमरा मैं लॉगिंग को दूंगा, तो मेरे को ये वाला पीसी वहां लेके जाना है, और नया वाला पीसी यहाँ लगाना है। ओके ब्रो, अभी सारा काम खत्म करने के बाद एकदम फुल ऑन सफाई यहाँ पर हो चुकी है, और अभी मेरे को ये दाग यहाँ से रिमूव करना है, और इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये डालोगे तो ये दाग चला जाएगा, काफी होगा ना। उसके बाद एक सूखे कपड़े से मेरे को मसाज करना है इसको, ये ले कारपेट मसाज कर रहा हूँ मैं, कहीं मैंने खुद की मसाज की नहीं, कारपेट मसाज हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मेरे को सेट करना है खुद का कमरा, तो ये पुराने वाला पीसी जाएगा यहाँ पर, और अगर मैं इस वाले सेटअप को ऑन करके देखूं तो नाइस, ये वाला सेटअप एकदम से रेडी हो चुका है। अभी आता है गाइस अपना नया वाला पीसी, और ये जाएगा बिल्कुल यहाँ को, ऐसे यहाँ पे घुसा दूं इसको। ओ
इतने भारी ग्राफिक्स कार्ड होते मेरे को पता भी नहीं था। फाइनली ऊपर से इसको खींचना इसका गन और एक्चुअली साफ हो रहा है यार, लेट्स गो। तो गाइस अपना पूरा सेटअप एकदम से डन हो चुका है। हां येरा लॉगी आजा इधर हो भाई, क्या हो रहा है, क्या एकदम से सब कुछ डन हो चुका है। और ये थोड़ा बहुत गाइस इसको गन दिया। अबे तू इधर आ, एंड दिस इज योर न्यू पीसी। यहाँ से पावर सप्लाई होगा ना, अभी रुक जा, अभी रुक जा, यहाँ से इसको ऑन हुआ। एक्चुअली वो देखा, देखो देख रहा हूँ, अभी देखा। वन टू वन थ्री और बाकी लाइटें भी ऑन होगी, तो बेसिकली ये कनेक्टेड है इसके साथ। तो जैसे ये बूट अप होगा ना, ये पूरा यहाँ से लाइट अप हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड है ना, बीप हुई मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेट्स गो, क्या बात है इसके अंदर भाई, जबरदस्त है ना भाई, बहुत ज्यादा कूल है ये। ओके अभी मैं तेरे को एक और चीज दिखाता हूँ। तो मैं तेरे लिए ना एकदम स्पेशल लाइट्स लेके आया, ठीक है? हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? तू किसी भी डिजाइन बना के, कोई भी डिजाइन बना के ना, तू यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है इनको, यहाँ पे इनके साथ। इनके साथ क्या? या, देख मैं तेरे को समझाता हूँ, देख। तो पकड़िए फोन को, पकड़िए। ओके फिश फिश हटाओ यार, वीडियो खराब कर रहा है। तो बेसिकली तेरे को ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा के रखी है ना, अब अगर मैं ये लगाऊंगा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे बाबा सुना लग गया मेरे को, आई थिंक इसको अगर मैं ऐसे जोड़ूं तो। ओ यो ये भाई, ये लाइटें भी वाकई बहुत ज्यादा कूल है यार। तो अगर मैं रुक जा, अगर इसको ऐसे लगाऊं ना, कैसे? तो ऐसे, ये देख ऐसे लग गई। और अभी हम इसको एक ऐसे लगा देंगे, पूरा बार तक लेकर आ जाओ इसको। अभी इसको ना ऐसे हम नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसे नीचे भी लेके जा सकते हैं, ऐसे। भाई वाकई बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, और मतलब ये सारी और चिपकने वाली है, तो बेसिकली तो यहाँ पे पूरा डिजाइन बना सकता अपने लिए। यार ये वाकई बहुत ज्यादा कूल है यार, पसंद आया भाई, बहुत ज्यादा पसंद आया। दिस इज योर न्यू पीसी। तो गाइस ये रहा लॉगिक एकदम से ब्रांड न्यू वाला पीसी, और ये रहा अपना मेरा, ये अब से हो गया मेरा कमरा, एंड ये रहा अपना पीसी। तो टेंशन नॉट ब्रो, खतरनाक वाली वीडियो वहां से, इस वाले कमरे से भी होंगी। लॉगिक कैसा है भाई? ये तो बहुत ज्यादा मस्त है, और टेंशन करो चपाती भाई, दोनों इस पीसी को यूज करेंगे। क्या बात कर दी, अभी लॉगिन कर दी भाई वाली बात। लेकिन नहीं लॉगिन, मैं चाहता हूँ कि तू मोस्टली तू पीसी यूज करे। अरे भाई दोनों यूज करेंगे, कभी आप ये वाला यूज करना, कभी मैं दूसरे वाला यूज करूंगा। यार थैंक यू सो मच, अपन जा दे यार, अभी कर दी लॉगिन भाई वाली बात। तो यार ब्रो 3 दिन मेरे को लग गए ये पीसी बनाने में भाई, बहुत टाइम लगा मेरे को, बट एब्सोल्युटली डन हो चुका है यहाँ पर। तो एक बार फिर से गाइस आपको दिखा देता हूँ अपने पीसी की स्पेक्स। खतरनाक वाला प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड पता नहीं कौन सा है, और ये पक्के बुके लगा कर रखे हैं। एब्सोल्युटली फाइन चल रहा है फिलहाल, मेरा टेम्परेचर चल रहा है 14 डिग्रीज, एकदम ठंडा ठंडा चल रहा है यहाँ पर। और ये लाइटें मेरे को अपने कनेक्ट करके मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक पूरी लेके जाएंगे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो स्क्रीन्स भी वही हैं, क्योंकि मेरे को स्क्रीन्स लेनी थी, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट स्क्रीन्स अभी भी मार्केट में यही लगती हैं। तो मैंने सोचा कि यार स्क्रीन्स फिलहाल अपग्रेड नहीं करते, यही बेस्ट है। अभी तो सरप्राइज हो चुका कि नहीं हुआ भाई? वाकई बहुत खतरनाक सरप्राइज था यार। तो चलिए गाइस, छोटे से वीडियो में तेरा काफी अपन को तो बहुत मजा आया, अभी नेक्स्ट टाइम कंप्लेंट नहीं करनी है, ऐसे भूता चुपके वो पीसी रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो चलिए गाइस, छोटे से वीडियो में तेरा काफी, मेरे को तो बहुत मजा आया, अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।